विशेषा सभी मधुम मायन भोजयनो माया संख्या तुरीय परम अमृतमज ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। अथर्ववेदी मांडलिक उपनिषद के आगम प्रकरण पर विचार करते हैं। अभी सातवां मंत्र के ऊपर जो कारिका लिख रहे हैं अब उसके ऊपर विचार चल रहा है। सातवां मंत्र में आया था ना अंत प्रज्ञ न घुष प्रज्ञ न उभयत प्रज्ञ न प्रज्ञान घन न प्रज्ञ न प्राज्ञ। तो क्या है वो? तो बोलते हैं कि अदृश्य अव्यवहार्य अग्रह्य अलिंग अचेतन अव्यापदेश, यानी कि सारा जब निषेध हो जाता है तब उसका ज्ञान ज्ञान नहीं होगा ऐसा लगता है। तो वो कहने एक आत्म प्रत्यय शांत आत्मा सभी इसको समझ इसके अंदर जो रहस्य छुपा हुआ है उसको हमें गौरपदाचार्य ये बोलते हैं। देखो तीनों में समानता क्या है और उससे भिन्न चौथा क्या है। अब इस तीन में भी दो एक प्रकार के हैं एक निश्चारक प्रकार की है। ये बोल करके आया था कार्य कारण बद्ध तो दो, ठीक है ना। तो इश्यते विश्व तेजस विश्व तेजस कार्य बंधन भी है कारण बंधन भी है, मतलब बीज अवस्था भी है अग्रहण भी है अन्यथा ग्रहण भी है, बीज भी है और वहाँ पे फल भी है बीज फल भी, और प्राग्ञ में केवल मात्र बीज है और ये दोनों ही जो है तुरियों में नहीं, ऐसा जो है निश्चय रहता है। अच्छा आप जो है तुरियों के अपने अनुभव को लेकर के क्या बोलते हैं कि सुषुप्त की अवस्था में अपने को भी ना आत्मा न ना परम शैव ना सत्यम ना विचंडतम ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है ना जो सच्चा क्या है कुछ नहीं जान पाता है। प्राज्ञ किंचन संदेह प्राज्ञ कुछ भी नहीं जानता कुछ भी नहीं जानता, फिर भी उसका ज्ञान स्वरूप का अभाव नहीं है। परंतु तुरीय तक सर्वाधिक सदा, ठीक है ना, तुरीय तो क्या है वो हमेशा दृष्टारूपी है सदा दृष्टारूप है, ठीक है। अब इसको इसी के ऊपर हम चल रहे थे ना, इसी के ऊपर 12 नंबर के ऊपर है ना एक चल रहा था, एक साथ सब मिल के श्लोक को बोलेंगे 12 नंबर श्लोक को। न आत्मानं न परं चैव न सत्यं नापि चानृतं प्राज्ञा किञ्चन संवेद्धि तुल्यं तत्सर्वदृक्षदा। एक में कुछ भी ज्ञान नहीं है और एक हमेशा ज्ञान स्वरूप होकर के बैठा, तो दोनों में भिन्नता है किसके प्राज्ञ और तुरीय में, और बाकी दोनों तो कार्यकर्म भाव दोनों से जुड़ा हुआ है। और हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि ततश्च असो तत्व अग्रहणेन तमसा अन्यथा ग्रहण बीज भूतेन बद्धो भवति। इसके फलस्वरूप ये जो प्राज्ञ है ना तत्व अग्रहण रूपी जो अज्ञान है, तत्व अग्रहण रूपी जो अज्ञान है जो अन्यथा ग्रहण के बीजभूत है, जो अज्ञान क्या होता है अन्यथा ग्रहण के जो बीज रूप है इसके द्वारा बंधा हुआ है कौन प्राज्ञ, इसके द्वारा बंधा हुआ। तो यहाँ पे बोले थे आदानंद गिरि जी क्या बोले थे, यथक्त तमसे कार्यलिंगकम अनुमानम, इस प्रकार की अज्ञान में कार्य रूपी जो चिन्ह है उसको देख के हम अनुमान कर सकते हैं कि यहाँ पे अज्ञान विद्यमान है कार्य रूपी चिन्ह को देख, क्योंकि ये जो अन्यथा ग्रहण एक भाव वस्तु है, तो भाव वस्तु भाव किसी कार्य भावात्मक किसी कार्य जब दिखाई पड़ते हैं उसका जो कारण है वो भी कोई भावात्मक वस्तु है, इसलिए अविद्या विद्या विरोधी अनादि शांत एक भाव वस्तु है, अविद्या विद्या विरोधी अनादि शांत एक भाव वस्तु है ऐसा हमारी मान्यता है। ये अविद्या कोई अलग वस्तु नहीं है, मतलब ब्रह्म तत्व की अज्ञान कोई एक ब्रह्म मुख्य है आपको कुछ हमारे बताएंगे उसका अज्ञान ही जो यहाँ पे जो है हमारे सृष्टि के लिए हेतु बनते है बंधन के लिए हेतु बनते है उसका ज्ञान से मुक्त हुई हो जाते हैं। इसके ऊपर यथक तमसी यहाँ तक हम पढ़ लिए थे अन्यथा ग्रहण बीज भूते न अन्यथा ग्रहण के जो बीज रूप है उसके द्वारा ये प्राग को बधा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ये जो कारिका क्यों आए थे, दो शंका के समाधान करने के लिए आए थे, बोला था पहले एक शंका क्या था प्राग्ञ में कारणबद्ध तो कैसे है और तुरियों में अग्रण अन्यथा ग्रहण नहीं है ये कैसे बोल रहे हैं आप, ये दो शंका के समाधान के लिए बोला था ना कथम पुनः कारणबद्धत्व प्राज्ञस्य और तुरीय बा
तत्व अग्रण अन्नत्र ग्रहण बंध न सिद्ध होते, तुरीय में बीज फल भाव सिद्ध नहीं होता, अग्रण अन्नत्र ग्रहण सिद्ध नहीं होता और प्राग्ञ में हमेशा अग्रण रहता है। ये आपने कैसे सिद्ध करा, कैसे बोला? तो उसका पहले ये बोला क्योंकि प्राग्ञ हमेशा जो है कि बीज अवस्था के द्वारा घेरा हुआ होता है, किंतु अज्ञान अज्ञान उसको उपाधि है। अज्ञान उपहित व्यष्टि चेतन को हम प्राग्ञ बोलते हैं, अज्ञान उपहित व्यष्टि चेतन को हम प्राग्ञ बोलते हैं। अब आगे देखिए, द्वितीयम चौद्यम चतुर्थ पाद व्याख्यान प्रत्याख्याति टीका में, ठीक है, फर्स्ट लाइन। द्वितीयम चौद्यम, द्वितीयम चौद्यम मतलब तुरीय वा कथम तत्व अग्रणत्र गण लक्षण बंध न सिद्धतः, तुरीय में ये देखिए यहाँ पे सिद्धतः अथवा सिद्धते, ठीक है ना, जहाँ पे अभी भाष्य में इस पंक्ति को देखिए आप, तुरीय वा तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण लक्षण बंधो न सिद्धते। क्या है यहाँ पे, क्या है, रुको रुको रुको, सिद्धते आप, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा रुक करके बोलिए, वहाँ पे सिद्धते है कि सिद्धता है, भी हो सकता है, नहीं आप उसको निश्चय करके बोलो क्यों क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, जब तक आप पंक्ति देख करके निश्चय नहीं कर पाएंगे यहाँ पे यकार ड्रॉप हुआ कि विसर्ग ड्रॉप हुआ, ये आपको देख करके समझना पड़ेगा कि पंक्ति देख करके वो द्विवचन आ रहे हैं, बंधु न सिद्ध तो। अच्छा, यहाँ पे बोलते हैं ये जो द्वितीय द्वितीय संकत है, ठीक है ना, द्वितीय संकत है ये, द्वितीय चौद्यम चतुर्थ पाद व्याख्यान, दूसरा जो संख्या था उस संख्या को, संख्या को क्या होता है, चतुर्थ पाद इस श्लोक की मतलब 12 नंबर श्लोक के चौथा पाद क्या है, तुरीयम तत् सर्वाधिक सदा, ये चौथा पाद है, इसकी व्याख्यान के माध्यम से तुरीयों में ये दोनों सिद्ध नहीं होता, बीज फल भाव सिद्ध नहीं होता, ये दिखाना चाहते हैं इसके मतलब, इसके इतने माध्यम से। अब इसके ऊपर आ जाइए भाष्य में, ठीक है, जस्मात् तुरीय तत् सर्वाधिक सदा, क्योंकि जो तुरीय है वो हमेशा दृष्टा हुआ, तत् सर्वाधिक सबको देखने वाला, हाँ भगवान भाष्यकार वही सब रूप भी वही है और देखने वाला भी वही, मतलब उसको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला प्रकाश करने वाला भी वही है, इसलिए बोलते हैं जस्मात् तुरीयम, क्योंकि ये तुरीय तत् सर्वाधिक क्या होता है, वो हमेशा दृष्टा रूप है विद्यमान सदा, सदा क्यों, वहाँ पे जो कारण होता है ना वो कार्य रूप में बदलता है, ये कभी कार्य रूप में बदला ही नहीं, हमेशा एक रूप सदा हमेशा सर्वदा, इसलिए बोलते हैं तुरीयात अन्नस्य अभावा, तुरीय से कोई भिन्न वस्तु का अभाव होने के कारण सर्वदा मतलब सदा एव हमेशा ही एक रूप है इति, अब ये सर्वदृक शब्द का अर्थ कर रहे हैं, सर्वदृक होते सर्वम च तदृश्य, ये कर्मधारा समाज, सर्वम च तदृश्य, जो भी बाहर रूप नाम रूप में दिखाई देते ना वो वही है ब्रह्म, परंतु हमें नाम रूप में दिखाई पड़ता है सर्व रूप है, परंतु उसके उस सर्व समस्त नाम रूप को सत्ता स्फूर्ति प्रदान किया कौन, वो तुरीय देखने वाला दृक् दृश्य दृश्य ऐसा करके बनते हैं, तो सर्वम चृक्ष सर्वधिक वो सबको देखने वाला सबको प्रकाश करने वाला, देखने वाला मतलब क्या प्रकाश करने वाला, हमने देखा इसको देखा मतलब मैंने इसको प्रकाया इस प्रकाश से, स्मात् न तत्व अग्रहण लक्षणम बीजम तत्व, इसलिए वो हमेशा दृष्टा रूप है, इसलिए तत्व अग्रहण के द्वारा लक्षित होता है जो बीज अवस्था अज्ञान, तत्व अग्रहण के द्वारा लक्षित होता है जो बीज अवस्था मतलब अज्ञान वो वहाँ पे नहीं है, तत्व मतलब तुरीय न विद्य तत्व तुरीय में वो विद्यमान नहीं है। यहाँ पे देखिए कि भाष्यकार की पंक्ति हो गया, अब टीका में आ जाइए, फिर सदैव तुरीयात अन्नस अभाव, हमेशा ही वो निर्गुण एक शुद्ध व्यापक चेतन तत्व से दूसरा कोई तत्व विद्यमान है नहीं, वेदांतिक सिद्धांत कौन सा, दूसरा तत्व की विद्यमानता के अभाव होने के कारण सदैव तुरीयात अन्नस अभाव, तुरीयम एव सर्वम, ये तुरीय जो भी कुछ नाम रूप में दिखाई पड़ रहा है वही दिखाई पड़ रहा है, और तत्व सदाधिक रूपम,
और वो सभी नाम रूप का प्रकाशक भी है। इसे सब दिक् रूपम इति जस्मात, क्योंकि स्थिति ऐसा है तस्मात इति योजना तस्मात, इसलिए ना यहाँ पे तुर्य हमेशा इसलिए क्या है कि वहाँ पे तस्मात तत्व अग्रहण लक्षणम बीजम तत्व न संभवती है ना, इस तस्मात के साथ अन्य क्या करना करना पड़े, इसलिए वहाँ पे तत्व अग्रहण के द्वारा लक्षित होता है जो बीज अवस्था, वो बीज अवस्था तुर्य में होना संभव नहीं, अज्ञान तुर्य में संभव नहीं है ना। तो यहाँ पे ये तत्व पद जो आया है ना बीजम तत्र न संभवती, तत्व पद क्या कहना चाहते हैं, परिपूर्ण छिद एक तानम तुरियम परामर्श, तत्व पद के द्वारा किसको परामर्श किया जाए, तत्व मतलब वहाँ पर कहाँ पर बोलते जो परिपूर्ण है और जो चैतन्य से भरा हुआ छिद एक तान है एक रस है और वही जिसको चतुर्थ चतुर्थ के द्वारा लक्षित किया जा रहा है उसको परामर्श किया जाता है, परामर्श होता है उसका तत्व पद के द्वारा। क्योंकि स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे कभी जो है अग्रहण कभी होना संभव ही नहीं, हमेशा ग्रहण होता है वहाँ, अतः सर्वधिक सत्ता प्रकाश करना अतएव तत्प्रसूत अन्यथा ग्रहण से अपि, इसलिए बोलते हैं उस तत्प्रसूत मतलब अग्रहण लक्षण प्रसूत, अन्यथा ग्रहण क्यों होता है पहले से अग्रहण है इसलिए अन्यथा, इसलिए तत्प्रसूत मतलब अग्रहण प्रसूत अन्यथा ग्रहण, जब वहाँ पे अग्रहण नहीं है तो अन्यथा ग्रहण कहाँ से होगा, ठीक है। इसलिए आप बोलते हैं ध्यान रखना कि जो अग्रहण और अन्यथा ग्रहण, अग्रहण मतलब क्या हो जाएगा वहाँ पे क्या है उसको हमने ठीक से नहीं जाना, मतलब तो क्या है अन्यथा ग्रहण वो सांप है ऐसा हमने मान्यता दी, ठीक। इसी प्रकार अधिष्ठान पूर्ण असंग व्यापक तत्व है ये हमको समझ में नहीं आया, फलत हमने क्या नाम रूपात्मक जगत की मान्यता दे दी, इसी क्या पे बोलता है तत्प्रसूत, तत्प्रसूतस्य मतलब तत्व अग्रहण लक्षण प्रसूतस्य, तत्व अग्रहण के द्वारा लक्षित होता है जो अज्ञान, उस वहाँ पे अन्यथा ग्रहणस्य अपि अभाव, क्योंकि उसका अभाव है इसलिए कहते हैं अन्यथा ग्रहण का अभाव हो जाएगा क्योंकि वो नहीं है, अतएव अभाव अन्यथा ग्रहणस्य अपि अतएव अभाव, इस कारण से वहाँ पे अन्यथा ग्रहण का भी अभाव हो जाएगा, क्यों अग्रहण नहीं है इसलिए, इसलिए अतएव इति कारण अभावे कार्य अनुपपत्ति रीति अर्थ, अत इसलिए क्यों कारण नहीं है इसलिए कार्य भी नहीं उत्पन्न होगा, कारण क्या है अग्रहण, कार्य क्या है अन्यथा ग्रहण, कार्य कार्य कारण नहीं है इसलिए कार्य भी नहीं होता, वहाँ पे तत्व अग्रहण है इसलिए नहीं है इसलिए अर्थ अन्यथा ग्रहण भी नहीं होता। तुरीय अवस्था मतलब जब व्यक्ति अपने स्वरूप को जान जाते हैं तब एकमात्र ईश्वर ही दिखते हैं, जगत जो है दिखाई देने पर विषय तत्व बुद्धि वाला भी नहीं होता, ये अभिप्राय से बोल रहे हैं, इसके दृष्टांत को देखकर के समझा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तुरीय तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणयो असंभवम दृष्टांतेन साधयति, तुरीय में तत्व का अग्रहण और तत्व का अग्रहण का फल जो अन्यथा ग्रहण, इन दोनों का तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणयो, ठीक है ना, इन दोनों का असंभव होना संभव नहीं है, इसको एक दृष्टांत के द्वारा दृष्टांतेन साधयति सिद्ध करके दिखाते हैं भगवान वास, क्या बोल रहे हैं कि नहीं सवितरी सदा प्रकाशात्मके तद विरुद्धम अप्रकाशनम अन्यथा प्रकाशनम वा संभवति, ठीक है। सूर्य सविता है ना, तो उस सवितरी सविता प्रतिपदि का सवितरी सप्तमी एक वचन सविता में, जो सविता क्या है सदा प्रकाशात्मके, सदा यह पेशों की सप्तमी है, सर्वदा प्रकाश स्वरूप होने के कारण, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं सवितरी नहीं को छोड़ दीजिए, क्योंकि सविता जो हमेशा प्रकाश स्वरूप है, सवितरी प्रकाशात्मक सती सदा सदा प्रकाशात्मक सत्य में है, यहाँ पे तद विरुद्धम प्रकाश से विरोधी जो अंधकार है ना, तद विरुद्धम अप्रकाशन मतलब प्रकाश नहीं होना, प्रकाश नहीं करना, अन्यथा प्रकाशन वा अथवा दूसरे प्रकाश दूसरे प्रकाश को दिखाना वह न संभवती, न उपसरण वह न संभवती, होना संभव नहीं है। इसी को आप एक श्रुति वाक्य के द्वारा दृष्टांत के द्वारा समझाया और फिर उसके लिए श्रुति वाक्य दे दिए, श्रुति भी ऐसा कहती है, इसलिए आप बोलते हैं जब तू तुरीयस्य सदा दृगात्मत्वम उक्तम तत्र प्रमाणम अह, इस विषय में प्रमाण क्या है, ये दृगात्मत्व तो ज्ञान के बाद होगा, अज्ञान दशा में तो हमारे लिए प्रमाण नहीं है, अज्ञान दशा में क्या प्रमाण मानते हो तुम बोलो, बोलता हम एकमात्र वेद प्रमाण मानते हैं, कोई बात नहीं वेद प्रमाण देते हैं, इसलिए आप बोलते हैं जत्तु, परंतु ये जो कहा आपने कहा तुरीयस्य सदा दृगात्मत्वम, तुरीय हमेशा दृष्टा रूप है दृक् स्वरूप है उत्तम, तत्र इस विषय में प्रमाण क्या देते हैं, तो इस विषय में श्रुति प्रमाण है हमारे पास, तो बोलते हैं नहीं दृष्टुर्दृष्टिर्विपरिलोप विद्यते अविनाशित्वात्,
है ना, दृष्टा की जो दृष्टि है, दृष्टा हो गया एक अनित्य दृष्टि, एक नित्य दृष्टि, वो नित्य दृष्टि वाला जो दृष्टा है, नित्य दृष्टि वाला जो दृष्टा है, उस दृष्टा की दृष्टि का अभी विपरीत लोक नहीं होता। अनित्य दृष्टि तो विपरीत होता है, इसलिए बोलते हैं नहीं द्रष्टुर दृष्टि विपरीलोक, दृष्टा के दृष्टि का अभी विपरीलोक नहीं होता, मतलब विपरीत भाव को प्राप्त नहीं करता, नाश नहीं होता, क्यों अविनाशिकता तो अविनाशी तत्व है। इस प्रकार श्रुति प्रमाण दे दिया। कौन सी श्रुति है? बृहदारण्यक श्रुति है 4:3:23, बृहदारण्यक श्रुति है 4:3:23, नहीं द्रष्टुर दृष्टि विपरीलोक विद्यते अविनाशित्वा ज्योतिर्ब्रह्म। आगे और बोलते हैं चतुर्थ पादम प्रकारांतरेण योजयति, इस चतुर्थ पाद को एक दूसरे प्रकार से दिखा रहे हैं। चतुर्थ पाद मतलब तूर्य तत् सर्वधिक सदा, इस पाद को दूसरे प्रकार से विस्फोट अर्थ कहते हैं भगवान वाक्य। चतुर्थ पादम प्रकारांतर दूसरे प्रकार से योजयति मतलब अन्वय करते हैं, अथवा जागृत स्वप्नयोः सर्वभूत अवस्थः सर्व वस्तु दृक् आभास तुरीय एव इति सर्वधिक सदा। ये इसमें क्या कहना चाहते हैं कि आपको तुरीय को अनुभव करना है, सीधा सीधा नहीं दिखाई देगा, प्रतिबिंब को देख करके बिंब समझ में आता है कि नहीं आता है। इस प्रकार देखना गाड़ी में, एक गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर में एक दर्पण रहता है, हाँ वो क्या होता है पीछे से कौन गाड़ी आ रहा है, कितना पीछे आ रहा है, कहाँ पे है, वो उसको मिरर देखने से समझ में आता है। मतलब कभी बैक गियर में गाना चाहते तो सामने ही देखता है, मिरर में देखता है तुझे क्या है क्या नहीं है, यानी कि प्रतिबिंब को देख करके सामान्य गाड़ी ड्राइवर को भी आपका बिंब पीछे क्या है सब समझ में आता है। ठीक यहाँ पे भी वो चित्त अंतकरण में चित्त की आभास मतलब साक्षी की प्रकाश को देख करके आप साक्षी को समझ सकते हैं, तुल्य क्या समझ सकते हैं। इस भावना से लेकर के अब थोड़ा सा अर्थ अनुमान है, अथवा जागृत स्वप्न यो हो, जागृत स्वप्न दोनों अवस्था में सर्वभूतावस्थ समस्त भूत की जो अवस्था, समस्त अवस्था में ठीक है ना, जो भूत विविध जागृत में जो भी देखते हैं देखने वाला और देखने जो वस्तु सभी में सर्व वस्तु दृक् आभास हो, समस्त वस्तु में वो दृष्टा की जो आभास है, समस्त वस्तु में वो दृष्टा का आभास मतलब चिदावास, समस्त में चेतन के आभास अंदर ही तो स्फुरित होता है। अब आभास को देख करके प्रतिबिंब को देख करके अब जो है चित्त को समझ, चिदाभास को देख करके अब चित्त को समझ सकते हैं। चिदाभास हो तभी चेतन जैसे व्यवहार कर रहे हैं, जड़ में चेतन जैसे व्यवहार हो रहा है, यानी कि कोई एक चित्त की यहाँ पे कोई एक चेतनमय वस्तु की यहाँ पे विद्यमानता है, परंतु हमारे बुद्धि में परिच्छिन्न रूप में है, पर तो क्या होता है उसको देख करके सभी में जब एक ही चिदाभास को दिखाई पड़ते हैं शत्रु बोलते हैं तो चैतन्य व्यापक है, ये भी निश्चय कर सकते हैं। इसलिए आप बोलते हैं अथवा जागृत स्वप्न यो, अथवा ऐसा समझिए जागृत अथवा स्वप्न में सर्वभूतावस्थ समस्त भूत में विद्यमान सर्व वस्तु दिगाभास, सर्व वस्तु जो मतलब साक्षी को लेकर जो बोलते हैं आप तुरीय एवं, वो तुरीय ही है, साक्षी तुरीय है, तुरीय एवं यदि सर्वधिक सदा, इसलिए वो सर्वदा दृष्टा है, वो सर्वदा दृष्टा है, सर्वधिक सदा, क्यों वो सर्वदा दृष्टा है, बोलते देखो श्रुति भी ऐसा बोलते हैं ना अन्नो अतो अस्ति दृष्टि ना अन्नो अतो अस्ति श्रोत्री ना अन्नो अतो अस्ति मंत्री, परंतु हमें बोलते हैं आगे बोलते क्या अदृष्ट दृष्टा अश्रुत श्रोता अमतो मंता, ऐसा क्या मतलब बोलते हैं यहाँ पे ना अन्नो अतो अस्ति दृष्टि। बृहदारण्य 3:8:11 इत्यादि श्रुति इस प्रकार श्रुति वाक्य से वही तुरीय जो शरीर के अंदर साक्षी रूप में विद्यमान है, वही चिदाभास प्रतिफलन के द्वारा मतलब प्रतिफलन के द्वारा आप प्रतिबिंब के द्वारा आप बिंब को देख सकते हैं, परंतु प्रतिबिंब और बिंब सापेक्षिक शब्द है, प्रतिबिंब के सापेक्ष में हम बिंब शब्द को प्रयोग करते हैं, परंतु जब आपको समझ में आ जाए तब क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंबत्व तो नहीं रहता, फल उसमें बिंबत्व भी नहीं रहता, मतलब कोई एक वस्तु है ये समझ में आता है। इस प्रकार ने कई बार इसको समझाया, यहाँ पे मान लो 7-8-10 घर है, घर में आपने पानी रख दिया, पानी रख दिया तो वहाँ पे जो है लाइट की प्रतिबिंब होना है, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे 10 घर में पानी, पानी में प्रतिबिंब और ऊपर एक बिंब, एक ही लाइट है, 10 प्रतिबिंब एक बिंब, इसका हम समझाना चाहते हैं 10 घड़े में पानी, 10 घड़े में 10 प्रतिबिंब परंतु एक बिंब है, क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना,
एक घर टूट गया, क्या बोलेंगे? नौ घर, उस नौ घर में पानी और नौ घर में प्रतिबिंब, एक बिंदु, ये बिंदु माने क्या बचेगा? इस प्रकार आठवां घर, एक घर टूट गया दूसरा, तो क्या बोला? आठ घर, आठ में पानी, प्रतिबिंब, एक बिंदु। ऐसा करते हुए अंतिम घर भी टूट गया, अब क्या बोलेंगे? क्या बचा आपके पास? परंतु आप जो है इसको बिंब नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रतिबिंब के सापेक्ष में बिंब शब्द प्रयोग हो रहा था। आप उस एक वस्तु है, अभी तक आपको समझ में आ गया कि वहाँ पे कोई एक वस्तु है जो यहाँ पे प्रतिबिंब होकर के दिखाई दे रहा है, वो प्रतिबिंब होने के कारण हम उसको बिंब बोल रहे थे, प्रतिबिंब। परंतु जब प्रतिबिंब नहीं है, बिंब शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, परंतु एक वस्तु का बोध हो जाता है। ये यहाँ पे ही कहना चाहते हैं कि अथवा जागृत स्वप्न सर्वभूतावस्थ सर्व वस्तु द्विक आभास, दृष्टा की जो आवचिदावर दिखाई पड़ते हैं वो साक्षी रूप में वही विद्यमान है। तूर्य सर्व दीक्षा, तूर्य ही जो है सदा दृष्टा रूप में साक्षी रूप में विद्यमान है। कैसे पता जाएगा? क्या प्रमाण है? बोलो, स्थिति प्रमाण है, नान्वस्थित दृष्टि है ना, इसके बिना दूसरा कोई ऑब्जर्वर नहीं है, देख जो ऑब्जर्वर। बाकी अलग अलग दिखाई पड़ते उपाधि के कारण, उस उपाधि अलग अलग देखने की उसको प्रकाश करने वाला साक्षी, प्रमात्र अलग अलग है, अंतकरण उपाधि से साक्षी एक है। इस विषय में बोलते हैं चतुर्थ पादम प्रकार न योजयति अथवा करके तत्रापि श्रुति अनुकूलयति। इस प्रकार की व्याख्या में भी अपने पक्ष में श्रुति है, श्रुति को अनुकूल करते, न अन्नत अपवस्थित दृष्टि से भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। इस प्रकार से बोलते अब जो है यहाँ पे तो आपने कह दिया कि प्राज्ञों में क्या होता है, बीज भाव है, इसलिए वहाँ पे अग्रण है, और तुरियों में क्या है, बीज भाव नहीं है, इसलिए वहाँ पे अग्रण भी नहीं है, अन्यथा ग्रहण भी नहीं है। अन्यथा ग्रहण तो अग्रण के मतलब आपको जागृत और सुषुप्त स्वप्न में दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं अनुमान प्रयुक्तां तुरीय अपि कारणबद्धत्व आशंका परिहरति। एक अनुमान के द्वारा तुरियों में भी कारणबद्धत्व है, अनुमान के द्वारा तुरियों में भी कारणबद्धत्व है, ऐसा कुछ शंका उठाते हैं। अनुमान प्रमाण के आधार पर क्या बोलना चाहेंगे? तुरियों में कारणबद्धत्व है ना, तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते जो कारणबद्धत्व होगा तब वहाँ पे अज्ञान है, मतलब ये तुरीय मुक्त नहीं हो सकता, ऐसा तो शंका करता। अनुमान प्रयुक्तम है ना शंकाम, इसका अन्य कहाँ होगा? अनुमान प्रयुक्तम शंकाम तुरीय अपनी कैसे कारणबद्धत्व आशंकम परिको, शंका क्या है? तुरियों में भी कारणबद्धत्व है। तो श्लोक में आ जाइए, क्या अब श्लोक में वो अनुमान दिया है? दैतस्यग्रहणं तुल्यं, दैतस्यग्रहणं तुल्यं, उभयो प्राज्ञतुल्ययोः, बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः, सा चतुर्येण विद्यते, दैतस्याग्रहणं तुल्यं, उभयोराग्रस्तुल्ययोः, बीजनिद्रायुधप्राज्ञः, सा चतुर्येण विद्यते। यहाँ पे तुरियों का पक्ष मान, तुरियों को पक्ष मान, और वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि कारणबद्धता है, तो तुरीय कारण के द्वारा बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि दैत्यस्य अग्रहणम तुल्यम हेतुतः, दैत्यस्य अग्रहणत्वात्, दोनों में है प्राज्ञवत्, ये मैं इतना ही कहा, तुरियों में भी कारणबद्धत्व है, क्यों? द्वैत की ग्रहण नहीं हो रहा है जैसा प्राज्ञ, ठीक है। ये देखिए आनंदगिरि जी ने टिप्पणी दी है यहाँ पे श्लोक की, दो लाइन दिए, विमतम कारणबद्धम द्वैत अग्रहणत्वात् प्राज्ञवत्, मिला? तो यहाँ पे जो है ये अनुमान कहाँ से आनंदगिरि जी ने किया? श्लोक, श्लोक में मतलब क्या शंका उठा? तुरीय प्राज्ञ हो, है ना, प्राज्ञ में तो आपका कारणबद्धत्व है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे द्वैत ग्रहण नहीं हो रहा, इसीलिए तुरीय में भी द्वैत ग्रहण नहीं है, इसलिए तुरीय में भी कारणबद्धत्व होगा, ऐसा युक्ति कहते हैं। तब अब तो बोलता है प्राज्ञ में बीज निद्रा युत,
प्राकृतिक बीज है और यहाँ पे बीज नाश हो गया, इसीलिए यहाँ पे जो है ये हमारा उत्तर है, ये हमारा उत्तर है कि प्राकृतिक बीज है और यहाँ पे बीज नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान क्या है अज्ञान को नाश करके ही उत्पन्न हो गया, तो बीज नाश हो गया वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे अग्रहण भी नहीं है अन्नता ग्रहण भी नहीं। ठीक है, तो ये सामान्य दैत्यस्य अग्रहणम तुल्यम, दैत्य की अग्रहण दोनों में बराबर है, कल किन दोनों में उभयो दोनों में प्राग्न तुर्ययो प्राग्न तुर्ययो उभयो दैत्यस्य अग्रहणम तुल्यम, परंतु उन दोनों में भिन्नता क्या है, बीज निद्रा युद्ध प्राग्न, प्राग्न में क्या है बीज रूपी निद्रा भरा से भरा हुआ है, निद्रा मतलब अग्रहणी निद्रा बोलते हैं वेदांतिक शब्द में, तत्व का अग्रहणी निद्रा है और अन्यथा ग्रहण स्वप्न आगे अपने आप बोलेंगे, निद्रा की परिभाषा अपने आप देंगे, तो बीज निद्रा युद्ध प्राज्ञा, प्राज्ञा तो बीज निद्रा से जुड़ा हुआ है, सा निद्रा तुरिये न विद्यते, परंतु यहाँ पे चौ यहाँ पे दू अर्थ में आया, परंतु वो निद्रा तुरियो में नहीं है। ठीक है, श्लोक अर्थ समझ में आया, आप देखिए यहाँ पे टीकाकार क्या बोलते हैं, श्लोक से तात्पर्य गृहती, हर्षकार कहते हैं श्लोक में क्या तात्पर्य है उसको ग्रहण करके दिखाते हैं, निमित्तांतर प्राप्त शंका निवृत्ति अर्थ अयम श्लोक, निमित्तांतर मतलब अनुमानांतर, अनुमान रूप निमित्तांतर, अनुमान रूप निमित्तांतर से प्राप्त होता है जो शंका, उस शंका को निराकरण करने के लिए यह श्लोक है, अनुमान रूप जो आपका निमित्तांतर है दुष्ट निमित्त, जिससे कि आप अनुमान करते हैं, क्या अनुमान करते हैं कि आपको तुरीय अवस्था में भी बीज रहेगा, बीज रहेगा, क्यों दोनों में द्वैत का अग्रहण है, दोनों में द्वैत का अग्रहण, दोनों द्वैत का अग्रहण होने के कारण तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो बीज वहाँ पे रहेगा, ऐसा कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, निमित्त अंतर प्राप्त शंका निवृत्ति अर्थ अयम श्लोक, निमित्त अंतर से प्राप्त होता है जो आशंका उसको निराकरण करने के लिए ये श्लोक मानवीय को कार्य कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है निमित्त अंतर ये आप यहाँ पे अनुमान ना दीजिए, नीचे विमतम कारणबद्धम द्वैत अग्रहणत्वा प्राज्ञवत्। ठीक है, इति अनुमानम एव दर्शयन, अनुमानम एव दर्शयन निमित्त अंतरम एव स्फोरयति, निमित्त अंतर को स्पष्ट करते हैं। आप इस अनुमान को देख लीजिए, विमतम से किसको लेंगे, विवादास्पद ये तुरीय अवस्था, विवादास्पद उसको लेकर के विवाद हो रहा है, विवाद क्यों, कि वहाँ पे आपका बीज निद्रा है अथवा नहीं है, अज्ञान है अथवा नहीं है, ये विवाद की बात है। तब पूर्ववादी बोल रहे हैं कारण मध्यम, मतलब वहाँ पे कारण अज्ञान है, कारण है क्यों, क्योंकि द्वैतों का अग्रहण दोनों में बराबर है, जिस प्रकार द्वैतों का अग्रहण कहाँ है प्राज्ञ अवस्था में है, उसी प्रकार तुरियों में भी है द्वैतों का ग्रहण नहीं होता, पर अब दोनों में भिन्नता क्या दिखाया, एक में कारणबद्धता एक में कारणबद्धता नहीं है, तो यहाँ पे पूर्ववादी बोलते नहीं नहीं दोनों में कारणबद्धता है, क्यों द्वैतों का अग्रहण दोनों में तुल्य है। तो अब देखिए दृष्टांत में क्या दिया, प्राज्ञवत्, ठीक है ना, प्राज्ञ में आपको द्वैत हेतु बैठा है, अनुमान में देखिए विमतम हो गया पक्ष, कारणबद्ध हो गया साध्य और द्वैत अग्रहण हो गया हेतु, और दृष्टांत हो गया प्राज्ञ, तो प्राज्ञ रूपी दृष्टांत में हेतु और साध्य बैठा है कि नहीं है, है? प्राज्ञ रूपी दृष्टांत में द्वैत अग्रहण भी बैठा हुआ है और कारणबद्ध भी बैठा हुआ है, और पक्ष है तुरीय, इतना जो पक्ष में द्वैत अग्रहण बैठा हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा कारणबद्धत्व सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्ववादी का अनुमान है। तो सिद्धांत बोल रहे हैं कि आप में गलती हो गया, आपका अशुद्ध, आपके पास एक हेतु आभास आता है अशुद्ध, तीन प्रकार का सिद्ध होते हैं, स्वरूप असिद्धि, आश्रय असिद्धि, व्यक्तित्व असिद्धि, व्यक्ति में असिद्धि है आपका, क्योंकि यहाँ पे स्वरूप असिद्धि तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा मान्यता है स्वरूप असिद्धि मतलब पक्ष में हेतु को नहीं बैठना। ठीक है, पक्ष के हेतु में, पक्ष क्या है तुरीय, तुरीय में द्वैत का अग्रहण तो हम मानते ही है, इसलिए हमारे लिए ग्रंथ घटना नहीं। आश्रय असिद्धि मतलब तुरीय नहीं है, ये भी हम नहीं बोलते, गगन का गगन अरविंद का नहीं है तुरीय, यहाँ पे व्यापत्व असिद्धि है, असिद्ध हेतु व्यक्ति में असिद्धि है आपका, जो व्यक्ति में असिद्धि है मतलब जो आपने हेतु दिया हेतु सही नहीं है। क्या बोलते हैं कि आप देखो पर बीज निद्रा युतम है ना, तो यहाँ पे कहता है ये आपका कारण जहाँ जहाँ स्वबीजत्तम तत्र तत्र कारणत्व, या मैंने आप ऊपर से समझा रहा हूँ, आपको यहाँ पर बताइए हमें क्या दिखाई पड़ता है,
कि जहाँ जहाँ अज्ञान का बीज रहेगा वहाँ वहाँ कारण रहेगा, किंतु अद्वैत के अग्रहण को लेकर कारण तो नहीं है, आपकी व्यक्ति में गलती है। व्यक्ति में यहाँ पे क्या व्यक्ति है, यत्र यत्र द्वैत अग्रहण तत्र तत्र कारण बद्धत्व, ये व्यक्ति है यहाँ पे। इस पूर्ववादी का अनुमान व्यक्ति क्या है, जहाँ जहाँ द्वैत का ग्रहण नहीं हुआ वहाँ वहाँ कारण बद्धत्व है, ये वो दिखाना चाहते हैं। हमारे सिद्धांत तो नहीं है, जहाँ जहाँ बीज बैठा हुआ है वहाँ पे कारण बद्धत्व है, जहाँ बीज नहीं है वो कारण बद्धत्व नहीं है। ये अरे समझ लीजिए, व्यक्ति में क्या गड़बड़ है, इस अनुमान में क्या दोष देंगे आप, इस अनुमान की दोष ये है कि आपका व्यक्ति सही नहीं है। क्यों व्यक्ति सही नहीं है, क्योंकि ये कारण बद्धत्व तो आपको द्वैत अग्रहण को लेकर के नहीं हुआ, कारण बद्धत्व तो आता है बीज को लेकर, स्वबीज तक। यहाँ पे दूसरी प्रकार से समाधान और देंगे, ऊपर से इसको समाधान एक ये। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे एक शब्द और बोला कि देखो जो कारण होता है ना वो रूपांतर होता है, कार्य से नियत पूर्व वृत्तितम कारण, जहां जहां कारणता होगा वो क्या हो जाएगा, नियत पूर्व वृत्ति रहेगा, बाद में वो उस रूप में नहीं जाएगा, हरा रूप में दिखाई देगा, ठीक है। परंतु यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सर्वधिक सदा, ये हमेशा एक रूप है, इसीलिए हमें कारण बद्धत्व नहीं है, नहीं ऐसा होता। देखिए क्या होते हैं कारण, क्या होता है, कार्य से नियत पूर्व वृत्तित्व कारण, जो कार्य ठीक पूर्व पक्ष में विद्यमान रहता है, और जो कारण होता है वो रूपांतर होता है, परिणाम बात को लेकर रूपांतर होता है। तो एक अवस्था में था, वृत्ति का अवस्था में था, वो कारण रूप में बदलता है, तंतु रूप में था, पट रूप में बदल गया, ठीक है ना। इधर कारण क्या होता है, रूपांतर होता है। परंतु यहाँ पे क्या होता है, आपका ये अनुमान जो है प्रमाणांतर से बाधित हो रहा है। क्यों प्रमाणांतर से बाधित, यहाँ पे श्रुति क्या बोलती है, उसका दृष्टि का कभी विपरीत नहीं होता, हमेशा एक सर्वाधिक, उसमें कभी परिणाम नहीं होता, परिणत नहीं होता, परंतु क्या हो जाएगा, जिसमें एक बाधित मतलब दो दोष आ रहे हैं आपके इस अनुमान में, प्रमाणांतर से बाधित हो रहा है और आपका व्यक्ति सही नहीं है। प्रमाणांतर से बाधित क्या होता है, इस प्रकार हम अनुमान करते हैं, बन्ही अनुष्ण द्रव्यत्वात् जलवत्, क्या बोला मैं, बन्ही अनुष्ण द्रव्यत्वात् जलवत्, जल में द्रव्यत्व बैठा हुआ है, नौ द्रव्यमान रखते हैं, और उसमें जो अनुष्णत्व बैठा हुआ है, तो आपका दृष्टांत में आपका हेतु और साध्य दोनों बैठ जाएगा। अब बन्ही रूपी पक्ष में अपने द्रव्य तो वहाँ भी है, तो क्या है, उष्णत्व सिद्ध होगा, ये शीतलता सिद्ध होगा, अनुष्णता सिद्ध, वो तो उष्ण है, क्योंकि कैसे, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित हो रहे, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित हो रहे, शीतल सिद्ध अनुभव से बाधित हो रहे, इसी प्रकार से इसको बोलते हैं बाधित हेतु, बाधित हेतु। इसी प्रकार आपका ये अनुमान जो आपने किया ना, ये दो दोष, एक श्रुति प्रमाण की तरह बाधित हो रहा है, श्रुति बोलते हैं सर्वाधिक, वो कभी कारण कार्य रूप में नहीं परिणत होता, कार्य रूप में परिणत नहीं होता, सर्वाधिक सदा एक हेतु है, वो हमेशा एक रूप है, और परिणाम बाद में कार्य परिणत होता है, इसलिए आपका इस प्रमाण श्रुति प्रमाण की तरह भी बाधित हो रहा है। एक हो गया क्या, कि आपका व्यक्ति सही नहीं है, जहां जहां स्वबीजत्व वहां वहां कारणबद्धत्व, ये व्यक्ति है। और देखिए ये हेतु आभास में ये व्यक्तित्व असिद्धि, ये दोष देने के पीछे कारण क्या रहता है, कि आपका हेतु के अभाव में साध्याभाव सिद्ध हो जाएगा, हेतु के अभाव से साध्याभाव सिद्ध हो जाएगा, मतलब क्या होगा, तुरियों में बीजत्व नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कारणबद्धत्व भी नहीं है। ये जो आपने क्या हुआ, आप तुरीय में कारणबद्धत्व तो सिद्ध करना चाहते थे, हमने उपाधि लगा करके उसमें क्या सिद्ध कर दिया, कारणबद्धत्व वहाँ पे नहीं है। ये श्लोक में इतना सारा चीज छुपा हुआ है, ये श्लोक में इतना सारा चीज छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है, पहले आप इस अनुमान को ठीक से समझ लीजिए। और यहाँ पे जो है कार्य से नियत पूर्व वृत्तितम कारण, हमें कारण का परिभाषा है कि वो ठीक पूर्व क्षण में रहेगा, फिर बाद में वो परिणत हो जाए, परंतु यहाँ पे हमारा जो कारण है ना वो हमेशा एक रूप है, पूर्व क्षण में रहेगा बाद में नहीं रहने का ऐसा बात नहीं है, हमेशा एक रूप में रहेगा, हमेशा एक रूप में रहेगा, इसलिए ये जो है आपका अनुमान सही नहीं है, ये उपाधि दिया नियत पूर्व भावित्वात्। अब देखिए यहाँ पे हम भाष्य में पहले इसको दिखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, मैं ऊपर से समझा दिया आपको यहाँ पे क्या दोष देने जा रहे हैं, क्योंकि भाष्यवाचक क्या कहते, पंक्ति तो छोटा होगा, उसके अंदर छुपा हुआ रहता है कुछ शब्द,
यहाँ पे विमतम कारणबद्धम द्वैत अग्रणत्वात् प्राज्ञवाद इति अनुमानमेव दर्शयति। अनुमान को दिखाते हुए निमित्तांतर, मतलब आप निमित्तांतर क्या कि किसको दिखाने के लिए, तुरीय में भी कारणबद्धता है मतलब वहां भी अज्ञान है, ऐसा कोई कहना चाहते हैं तो बोलते हैं ये नहीं होगा, उसका संदेह उसको स्पष्ट करके दिखाते हैं। प्रथम द्वैत अग्रण से तुल्यता, कैसे तुरियों में आपका बंधन है, क्योंकि द्वैत का अग्रण दोनों में बराबर है, द्वैत अग्रण तुल्यत्व का। फिर कारणबद्धत्वं प्राज्ञ सेवन तुरीय स्थिति प्राप्त आशंका निवर्तते, ये कारणबद्धत्व रूपी जो आपने हेतु दिया वो केवल मात्र प्राज्ञम है, तुरीयमेव में नहीं है कारणबद्धता, इसलिए आप बोलते हैं कि कथम द्वैतस्य अग्रहण तुल्यत्वात्, ये जो आपने बोला क्योंकि कारणबद्धत्व प्राज्ञ सेव, प्राज्ञ में कारणबद्धत्व है न तुरीय, क्यों तुरीय में कुछ नहीं है, हमें पहले न अंत प्रज्ञ न भेष प्रज्ञ न उभयता प्रज्ञ, कुछ भी प्रज्ञा तो नहीं, सूर्य अपने बोलती है। तुरीय में द्वैत का ग्रहण के लिए क्या कारण है, द्वैत है नहीं वहाँ पे, कहाँ से दिखेगा, हाँ, है ही नहीं ना, है नहीं, आप समाधि अवस्था में आपका द्वैत तो नहीं दिखाई देता, क्या कारण है, क्योंकि मन स्थिर, मन अमन हो गया, मनुष्य ही अमोनी भावे द्वैत कहते। तो तुरीय में क्या होता है, तुरीय अवस्था माना मतलब क्या, मन अपने अधिष्ठान में लय प्राप्त कर लिया, मतलब क्या हो गया, मन बार बार असंगता पूर्णता व्यापकता की चिंता करते करते मन क्या होता है, यथाकृत होना है, मन भी उस असंग पूर्ण व्यापक हो जाता है, मतलब अधिष्ठान में लय प्राप्त करते, जब अधिष्ठान में लय प्राप्त करते तो द्वैत कहाँ से दिखेगा, परंतु वो आप लगभग लगभग नहीं बिल्कुल भिन्न है। प्राग्ञ में क्या होता है, आप प्रारब्ध के अनुसार जाते हो, वहां पर आपका कुछ बोध नहीं रहता है, आप समाधि में आपका बोध रहता है, क्या मैं प्राग हूँ, अपने अस्तित्व के अंतिम अवस्था में क्या रहेगा, पहले तो मैं ध्यान करने वाला, मैं ध्येय वस्तु का ध्यान कर रहा हूँ, धीरे धीरे ध्यान जितना गहर होता जाएगा क्या हो जाएगा, मैं ध्यान करने वाला और ये ध्येय वस्तु, ध्यान क्रिया दोनों चला जाएगा, परंतु केवल मात्र ध्येय वस्तु ही रहता है, केवल देह वस्तु रहता है, तो आपके पास देह वस्तु रूप में क्या रह जाएगा, केवल मात्र अपने अस्तित्व, केवल मात्र अपने अस्तित्व, जो किसी भी ध्यान की विषय नहीं है, किंतु तो चिंतन कर वही पे मन स्थिर हो जाता है, बड़ा तो क्या हो जाएगा, इस अस्तित्व में कोई द्वैत बोध होता ही नहीं। परंतु सुषुप्ति में क्या होता है, सुषुप्ति में जैसे ही आप उठेंगे तुरंत आपका द्वैत बोध, सुषुप्ति अवस्था में क्या होगा, सुषुप्ति अवस्था में आपका कोई बोध ही नहीं रहेगा, समाधि काल में आपका बोध रहता है, हमारे यहाँ पे बाद समाधि है, लय समाधि नहीं, बाद समाधि है, विचार पूर्वक बात करते जो, विचार पूर्वक बात करते जो, इंद्रिय सब खुला रहेगा, आपकी अस्तित्व बना रहेगा, अपने शरीर तक जो है बाधित हो जाता। अब सुषुप्ति में क्या होता है, यही दोनों में भिन्नता है, सुषुप्ति में आप लय प्राप्त करते हैं, वो लय है बाध नहीं है, लय समाधि है, अरे बात समाधि है, लय समाधि से बुद्धान होते हैं और बात समाधि से बुद्धान नहीं, ठीक है, ये विचार पूर्वक जब बात हो जाता है तब क्या होता है, मतलब अधिष्ठान तत्व बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये सुषुप्ति में हम, हाँ सुषुप्ति हमारे लिए दृष्टांत बनते हैं, क्या दृष्टांत बनते हैं, ये भगवान ने बनाया ऐसा कि देखो कि विषय रहित अवस्था में भी तुम आनंद में रह सकते हो, वहां से तुमका आनंद की अनुभूति हो रही, तुम आनंद स्वरूप हो, अब उस आनंद में हमेशा सुषुप्ति में क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आनंद होकर फिर अब दुखी हो जाते हैं, हमारा प्रयास क्या है, हमेशा आनंद में रहें, तो श्रुति क्या बोलते, बस जागृत को सुषुप्ति बना दो, हमेशा आनंद में रहो, यही हमें बोलना चाहते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कथम द्वैत अग्रणस्य तुल्यत्वात् कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य, द्वैत अग्रहण दोनों जगह तुल्य होने पर भी कारणबद्धता प्राज्ञ में ही रहते हैं, वो तुरीय में नहीं रहते, कारणबद्ध तो कहाँ रहते हैं, प्राज्ञ में रहते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर जागृत स्वप्न में तादात्म्य होता है, शरीर से तादात्म्य होता है, सुषुप्ति में जब जाएंगे आप उस समय शरीर के साथ तादात्म्य छूट जाएगा, परंतु उठते ही आपका फिर क्या शरीर के साथ तादात्म्य हो जाएगा, परंतु यदि आप समाधि विचार पूर्वक बात बात समाधि से क्या हो जाएगा, उत्थान नहीं होता, क्योंकि विचार पूर्वक आपने बात किया हुआ है कि इसके साथ हमारा तादात्म्य नहीं है, और जैसे आपका पूर्णता की बोध हो जाता है वो बोध कभी भी आपका जाता नहीं, वो बोधन क्योंकि ऐसा ब्राह्मी स्थिति कभी इसको प्राप्त कर भी नहीं था। और मैं और क्या बोला कि आप समाधि की अविद्या को अनादि माना हुआ है, कल इसको मैं बताया था कि अविद्या अनादि है, यदि वो एक बार नाश हो गया फिर कहाँ से उत्पत्ति होगा, उसका अनादित्व हानि हो जाएगी,
गणाधि, इसलिए ये सबसे सुविधा है कि अगर जागृत में बैठ करके आप अपने जो है विचार पूर्वक या अविद्या संबंधित अविद्या की कार्य को नाश कर देंगे तो कर देगा अविद्या तुरंत कारण भी नाश हो जाता है, फलत क्या होता है दोबारा फिर जो कार्यात्मक जगत आपको परेशान नहीं करता। इसलिए वहाँ पर बोलते हैं कि बद्धत्म प्राज्ञस्यव न तुरीयस्य प्राप्त आशंका विवर्तक है, जो आशंका को प्राप्त हुआ था उसको इस श्लोक के द्वारा निराकरण किया जाता है। अच्छा यहाँ पे टीका में देखिए कि विमतम कारणबद्धम द्वैत अग्रहणत्व प्राज्ञवादी अनुमानम एव दर्शयन निमित्तांतरम एव स्फोरयति, किस निमित्त से यहाँ पे जो है प्राज्ञ में बीज अवस्था ऐसा कहना चाहते तुरियो में वो निमित्तांतर के यहाँ पे स्पष्ट करते हैं। कथम कथम प्राप्त यहाँ पे है कथम द्वैत अग्रहण से तुल्यत्वा कारणबद्धत्व प्राज्ञ से द्वैत अग्रहण तुल्य होने पर भी कारणबद्धता प्राज्ञ में ही रहता है तुरियो में उपाध नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे टीका कर अनुमान कृत आशंका निवर्तकत्वेन श्लोकम अवतारयति, ठीक है ना, अनुमान के द्वारा जो शंका को उठाया गया, शंका उठाया गया कि तुरियो में कारणत्व है वो नहीं, वो निराकरण करते हैं अनुमान कृत शंका निवर्तकत्वेन उसको मिटाने वाले के रूप में श्लोकम श्लोक यहाँ पे अवतरण करते हैं प्राप्त आशंका निवर्तते, ठीक है ना। अब देखिए आगे बोल रहे हैं टीका का क्या बोल रहे हैं, प्राज्ञस्य उत्तरभावी प्रतिबोधादि कार्य अपेक्षया नियत पूर्वभावित्वं कारणबद्धत्वे प्रयोजकत्वम्। हमारे यहाँ पे क्या है कि एक कारण किसको बोलते हैं, कारण का परिभाषा क्या देना है दर्शन कार्यस्य नियत पूर्ववृत्तित्वं कारण, तो जहाँ पे कारणबद्धत्व होगा वहाँ पे नियत पूर्ववृत्तित्व होगा, ठीक है ना। नियत मतलब केवल मात्र पहली ओर रहेगा, पर तो हमारे यहाँ पे क्या कह दिया कि यह हमेशा रहता है कौन तुरी, यानी कि तुरियो में कारणत्व तो नहीं है, जो कारण होगा वो कार्य का ठीक पहले रहेगा, बाद में तो कार्य रूप में दिखाई देगा, परंतु तुरियो क्या है वो कारण रूप में कहीं बदला नहीं, हमेशा नियत एक रूप है। इसीलिए यही आपके अनुमान में व्याप्ति में एक गलती है, जो कारण होता है, जो कारण होता है वो पूर्ववृत्तीय भावी होते हैं, परंतु तुरियो में पूर्व भावी पश्चात भावी तो नहीं है, बस हमेशा एक भावी है, शास्त्र के आधार पर बोलते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे इसे प्राज्ञस्य उत्तर भावी प्रबोधादि कार्य, प्राज्ञ जो है ना उत्तर भावी जो प्रबोध है ज्ञान है ना, उसकी अपेक्षा या उसकी अपेक्षा से नियत पूर्वभावित मतलब क्या हो गया, ज्ञान क्या हो गया अपनी अज्ञान को नाश करके उत्पन्न, यानी कि प्राज्ञ क्या होता है आपका अज्ञान अवस्था में रहता है पूर्व भावी है, और इसीलिए आपने बोला क्या कारण, कारण कहाँ रहता है कार्य से नियत पूर्ववृत्तित्व पहले रहता है उत्तर भावी नहीं बोलते हैं प्राज्ञस्य उत्तर भावी, प्राज्ञ जो है वो आगे होने वाला उत्तर में आगे होने वाला प्रबोध आदि कार्य जो प्रबोध है ज्ञान है उसकी अपेक्षा से नियत पूर्व भावित्व, ये जो नियत पूर्व भावित्व योग्य आपका कारणबद्धता में व्याप्ति है, जत्र जत्र नियत पूर्व भावित्व तत्र तत्र कारणबद्धत्व ये व्याप्ति है, तुमने माना इसको ठीक है ना, आपने व्याप्ति क्या दिया था जत्र जत्र द्वैत अग्रहण तत्र तत्र कारणबद्ध, ये व्याप्ति सही नहीं है, जहाँ जहाँ नियत पूर्वभावित तो तत्र तत्र कारण ये व्याप्ति है। अब क्या है हमारे यहाँ पे नियत पूर्वभावित तो नहीं है सदा भावित है, फलत क्या हो जाएगा नियत पूर्वभावित हमारा तुरियो में नहीं बैठता, जब शांति यानी कि हेतु की अभाव से क्या हो जाएगा शांत अभाव मतलब कारणबद्धत्व तो नहीं है, कारणबद्धत्व तो नहीं है, हाँ तुरियो में भी मतलब वनस्पति पक्ष है। ये हमेशा ध्यान रखना कि उपाधि दोष देने के पीछे अभिप्राय ये रहता है, क्या अभिप्राय रहता है कि उपाधि के अभाव से साध अभाव सिद्ध हो जाए, पहले व्याप्ति दिखाया जैसे धुआं के अभाव शक्ति के अभाव, इसे ये हम समझते हैं, ये तो छोटा शब्द बोला परंतु पूरा नया दर्शन अनुमान प्रकरण दिमाग में हुआ तब समझ में आ जाएगा यहाँ पे केवल मात्र प्राप्त प्राज्ञस्य उत्तरभावी प्रतिबोध आदि कार्य अपेक्षा नियत पूर्वभावितम कारणबद्धत्व प्रयोजक, मतलब कारणबद्धत्व में हेतु क्या है नियत पूर्व यत्र यत्र नियत पूर्वभावित्व तत्र तत्र कारणबद्धत्व, ये व्याप्ति है। अब जो है हमारे यहाँ पे जो तुरी है ना वो नियत पूर्वभावी नहीं है वो सदाभावी है, फल तो ये वहाँ पे नहीं बैठता, फल तो वहाँ पे कहते कारणबद्धत्व भी नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए दो नंबर टिप्पणी और तीन नंबर टिप्पणी आ रहे हैं, ठीक है, दो नंबर टिप्पणी क्या बोल रहे हैं प्राज्ञस्य उत्तरभावी प्रबोधादि कार्य अपेक्षा नियत पूर्वभावित्वं कारणबद्धत्वे प्रयोजकम्। देखिए आनंद गिरि जी क्या है तो जैसे अनुमान पूर्ववादी ने किया तो उनकी परिभाषा के द्वारा ही उसको खंडन कर रहे हैं, तुमने ही बोला कारण कौन होता है जो कार्य के नियत पूर्व में रहता है, ठीक है ना, और हमारे यहाँ पर शास्त्र क्या दिखा रहा है वो हमेशा एक रूप में रहता है,
नियत पूर्व वृत्ति नहीं है, नियत पूर्व होते हुए उत्तर वृत्ति भी है, परंतु कारण यहाँ पे जो प्राग है उसको उत्तर भावित तो नहीं है, वो अज्ञान को नाश करके उत्पन्न होता है, उत्तर भावित तो नहीं है वहाँ, यहाँ पे केवल पूर्व भावित तो है। और हमारा तुरीय में क्या है, पूर्व भावित उत्तर भावित है, इसलिए कारणबद्धता आपका प्राग में है परंतु तुरीय में नहीं है, ये मुख्य रूप से हम बोलना चाहते हैं। यहाँ पे दो नंबर टिप्पणी में उक्त अनुमान उपाधि दर्शन आह, जो अनुमान किया है उस अनुमान में दो दोष किया, एक उपाधि दोष और एक बाध दोष, दो दोष है, बाधित अनुमान है। उक्त अनुमान उपाधि दर्शन दिखलाते हुए यहाँ पे आनंद गिरि जी कहते हैं प्राग्न से उत्तर भावित प्रबोधादि कार्य अपेक्षा नियत पूर्वावित कारण बद्धते प्रयोजकम, तीन नंबर नियत इति तत्त्वम च इह, यहाँ पे तत्व क्या है, अन्यथा असिद्ध शून्यतम, ठीक है ना, पूर्व भावितम एव है ना, अन्यथा असिद्ध शून्यतम जो है ना, अन्यथा सिद्ध कहाँ पे, प्राग्ञ में अन्यथा अन्यथा ग्रहण नहीं होता, अन्यथा सिद्ध तो प्राग्ञ भी नहीं है और पूर्व भावितम है, परंतु हमें पूर्व भावित्व है, कारणता बैठा हुआ है, अन्यथा ग्रहण नहीं, और न उत्तर भावितम व नियतम, और इसमें क्या है अथवा क्या है, न उत्तर भावितम, प्राग्ञ में जो कारणता धर्म बैठा हुआ है वो उत्तर भावी नहीं है, प्राग्ञ उत्तर भावी नहीं है, परंतु तुरीय क्या है, पूर्व भावी भी है उत्तर भावी भी, इन दोनों के दोनों में से बाह नियतम विवक्षितम, ये यहाँ का विपरीत इति अवध्यम, ऐसा यहाँ पे समझना चाहिए, ऐसा यहाँ पे समझना चाहिए, प्राग्ञों में उत्तर भावित्व नहीं है और तुरियों में हाँ पूर्व भावित्व भी है उत्तर भावित्व भी है, एक तुरी हमेशा रहता है और प्राग्ञों में क्या उत्तर भावित्व नहीं है, केवल पूर्व भावी, इसका जागृत शब्द का अन्यथा ग्रहण का पूर्व भावी है, इसलिए बोलते हैं तत्व यह अन्यथा सिद्धि शून्यतम पूर्व भावितम, अन्यथा सिद्धि के लिए हेतु अपने में अन्यथा सिद्ध नहीं है परंतु अन्यथा सिद्धि के लिए हेतु है, और ये तुरीय में पूर्व भावितम और उत्तर भावित दोनों है, दोनों है, दोनों नहीं है कहाँ, तुरीयों में हमेशा एक पूर्व उत्तर शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे पूर्व भावित उत्तर भावित दोनों अवस्था में एक रूप रहता है सर्वधिक, और यहाँ पे क्या है कारण में पूर्व में एक अवस्था उत्तर भाव दूसरा अवस्था, ये नहीं है तुरीय, इसलिए हमें बोला केवल मात्र नियत पूर्व भावित, कारण क्या था हमेशा पूर्व में रहता है, ये जहाँ जहाँ कारणता है वहाँ वहाँ क्या, जहाँ जहाँ नियत पूर्व वृत्ति तो वहाँ वहाँ कारणता है। अच्छा उपाधि के लिए एक परिभाषा और दिया हुआ है साध्य व्यापकत्व सति साधन अव्यापकत्व, याद है आपको उपाधि के लिए क्या कौन उपाधि होता है, साध्य व्यापकत्व सति साधन अव्यापकत्व, जो साध्य के साथ व्यापक होगा और साधन के अव्यापक होगा इसको उपाधि बोलते हैं। अब देखो उपाधि लगना अथवा नहीं लगना, मैं बोला था आपके इस अनुमान में विमतम कारणबद्धम द्वैत अग्रणत्त प्राज्ञवत्, ठीक है ना, तो यहाँ पे दृष्टांत में उपाधि बैठना चाहिए और पक्ष में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है, दृष्टांत में उपाधि बैठने से साध्य व्यापक होगा और पक्ष में नहीं बैठने से साधन, क्योंकि पक्ष में है तो बैठते साधन, वहाँ पे नहीं मिलने साधन व्यापक हो जाते हैं, देखने से आपको मिल जाता है, तो साध्य व्यापक कहाँ देखेंगे, हमने प्राग्ञ में क्या होता है साध्य व्यापक वहाँ पे वहाँ पे नियत पूर्वभावित बीज अवस्था, अथवा आप यदि मान लीजिए स्वबीजत्वा उपाधि देंगे स्वबीजत्वा, ठीक है ना, प्राग्ञ में स्वबीजत्व है और यहाँ पे विमतम में नहीं है, जत्र व्यक्ति क्या हो जाएगा जत्र जत्र स्वबीजत्व तत्र तत्र कारणबद्धत्व, ठीक है ना, आप तुरीय में क्या है कि स्वबीजत्व नहीं है इसलिए कारणबद्धत्व नहीं है, तो और उपाधि को घटाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट उपाय उपाधि लगे कि नहीं लगे घटने के लिए, आप देखो आपको दृष्टांत में बैठना चाहिए पक्ष में नहीं बैठना चाहिए, तो दृष्टांत में क्या है प्राग्ञ में क्या है आपका स्वबीजत्व है, है और विमत तुरीय में स्वबीजत्व नहीं है उपाधि, इस प्रकार से यहाँ पे आपका अनुमान में जो है दो दोष थे, एक होगा उपाधि दोष एक होगा बाध दोष, सूर्य में ये सबीजत्व नहीं है इसके लिए प्रमाण हमारा ये सातवां मंत्र हो जाएगा, जी बिल्कुल न प्रज्ञम न प्रज्ञम बार बार तो यही हो जाएगा, कुछ नहीं हम अपने निश्चित कर दिया सारा निश्चित कर दिया, यही मंत्र उसके लिए प्रमाण है, क्योंकि यहाँ पे तो आपके प्रत्यक्ष आदि प्रमाण काम नहीं कर सकते, आपके शास्त्रीय प्रमाण है यहाँ पे और कोई प्रमाण नहीं होगा,
इसीलिए स्वाभिज नियत नियत पूर्व भावित हम जहाँ पे बोला और नियत पूर्व भावी उत्तर पे ना इस ओर तेजस यहाँ पे क्या बोला कि प्राज्ञ से उत्तर भावी मतलब अज्ञान को नाश करके ज्ञान उत्पन्न होते इसलिए प्राज्ञ में जो अज्ञान था उत्तर भावी नहीं है वो, परंतु जो हमारा चेतना था जो ज्ञान वो पहले भी था क्योंकि हमारा अज्ञान हमारा है इस ज्ञान भी मुझे है और अज्ञान नाश हो गया ज्ञान भी मुझे है इसलिए ज्ञान में व्यवचरित तो नहीं है उत्तर भावित पूर्व भावित तो नहीं है वहाँ पे परंतु प्राज्ञ में है वहाँ पे ये उपाधि को लेकर के बोल रहे हैं यहाँ पे न चाह तुरीय तद अस्थि इसलिए तुरियो में ये नहीं है हाँ नियत पूर्व भावित न चाह तुरीय सतत मतलब नियत पूर्व भावित नियत अस्थिति अप्रयोजक हेतु इसलिए हेतु जो अप्रयोजक मतलब साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा अप्रयोजक हेतु मतलब सेतु साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा इसलिए वहाँ पे बोला जस्मात भाष्य में जस्मात बीज निद्रा जुत तत्व अप्रतिबोध निद्रा निद्रा मतलब क्या है बीज निद्रा युत बीज निद्रा से जुड़ा हुआ है क्या है तत्व अप्रतिबोध निद्रा तत्व की नहीं जानने अगले श्लोक में आएगा है ना निद्रा के तत्व को अप्रतिबोध की हम निद्रा बोलते हैं जो वो निद्रा हम नहीं बोलते हैं वेदांत में निद्रा शब्द की परिभाषा क्या दिया अन्यथा की आएगा ही आएगा अन्यथा गृहते स्वप्न निद्रा तत्व अजानत निद्रा क्या होता है तत्व को नहीं जानने ही निद्रा इसके इसे यहाँ पे बोलते हैं कि जस्माद बीज निद्रा जुत इसलिए मैं भाष्यकार की इस पंक्ति को लिया स्वबीजत्वात् अपने जत्र यत्र स्वबीजत्व तत्र तत्र कारण ये भाष्यकार किस पंक्ति को लेकर के ये उपाधि लगाना आसान समझ में आ जाता है और हमारा न मान लो कि आनंद गिरी जी ने न्याय की परिभाषा से पकड़ लिया और जो सुनिए तो पूर्व वृत्तित्व देखो इसका पुण्य तो पूर्व वृत्तित्व नहीं है सदा एक रूपत्तम ये अभिप्राय से बोल रहे हैं यहाँ पे बोलते हैं जस्मात बीज निद्रा जुत तत्व प्रतिबोध निद्रा शैव शैव च विशेष प्रतिबोध प्रसव बीज शैव च वो जो हमारा ये क्या होता है कौन तुरीय प्राज्ञावस्था प्राज्ञावस्था क्या होता है क्या बीज है उसके अंदर विशेष को उत्पन्न करने का बीज है उसमें शैव च विशेष प्रतिबोध प्रसव विशेष विशेष प्रतिबोध कहाँ पे होता है आपका जागृत स्वप्न प्राज्ञ में बैठा है और आपका तुरीय में वो नहीं है इसलिए वे बोलते हैं शैव च विशेष प्रतिबोध प्रसव बीज सा बीज निद्रा तया जूत प्राज्ञ इससे जुड़ा हुआ प्राज्ञ और तुरीय क्या है सदा दृक् स्वभावत्वात् हमेशा दृष्टम तत्व अप्रतिभूत लक्षणा निद्रा तुरीय न विद्यते इसलिए तत्व अप्रतिभूत के तरह लक्षित होता है जो निद्रा निद्रा मतलब तत्व का अप्रतिभूत इसके तरह लक्षित होता है निद्रा शो तुरीय में नहीं है मतलब न कारणबद्ध इसलिए उसमें कारणबद्ध है भाष्यकार की पंक्ति से आसान होता है समझना टीकाकार पंक्ति में थोड़ा सा नहीं भाष्यकार की पंक्ति सीधा धारण भाष्यकार सदा दीक्षा भाष्यकार की पंक्ति को थोड़ा समझने का कोशिश करना बाद में टीका में जाना तब आपको ये वो समझ में आएगा तो ये भी समझ में आएगा सदा दिक् स्वभाव हमेशा दृष्ट चलो पड़ा इसे बोलते हैं तत्व अपबोध लक्षण निद्रा तुरीय नी तत्व अपबोध का लक्षित होता है जो निद्रा वो तुरियो में नहीं है अतः न कार क्योंकि तुरियो में क्या होता है तत्व अप्रबोध नहीं है इसलिए कारणबद्धत्व नहीं है ठीक है ना इसलिए कारणबद्ध अतः न कारणबद्धत्व तस्मिन इति अभिप्राय तस्मिन तुरीय कारणबद्धत्व नास्ति ये अभिप्राय एक टिप्पणी है एक नंबर टिप्पणी अन्यथा एक नंबर टिप्पणी कहाँ है हाँ विशेष प्रतिबोध प्रसव इतना छोटा कि दिखने मुश्किल हो जाता है अन्यथा ग्रहण भी जी अर्थ है ना विशेष विशेष प्रतिबोध मतलब क्या है जहाँ पर अन्यथा ग्रहण होता है वही है वही विशेष है ना जहाँ अन्यथा ग्रहण होता है अग्रहण के हेतु अग्रहण हो गया हेतु अन्यथा ग्रहण हो गया काल है ना इसलिए बोलते हैं यहाँ पे विशेष प्रतिबोध प्रसव से बीज विशेष को प्रतिबोध अन्यथा ग्रहण के लिए बीज है ओके अधिक पे रखते हैं एक बार आपने आप विचार करना थोड़ा सा और फिर आप थोड़ा सा इसको देखना दोनों ने अपने नए तर्क संग्रह पर अधिक कहीं तर्क संग्रह कर अनुमान प्रकरण में उपाधि की समस्या को देखना थोड़ा सा अब आज द्वितीय होगा मैं कल द्वितीय पर गया तृतीय होगा अस्थार्ड है ना अस्थार्ड जी है तो अस्थार्ड होगा जब प्रज्ञालोका भाषा प्रतिहति अगमत शांतस्त मोहांधकारो प्राप्तिरग्राह्य मोघ तत्पादौ पावनीयौ
भव भय विनुदो सर्वभावै नमः श्री।